अच्छा एक बात बता, क्या सोच रही है? जोक्स अपार्ट रिक, मैं ये सोच रही थी कि आजकल के प्रोफेसर्स को हो क्या गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट उनके लिए कम हो जाएगी। क्यों, अब इन प्रोफेसर्स ने क्या पंगा ले लिया तुझसे? अब मिस स्वाति को ही देख लो। ए, मिस स्वाति के बारे में कुछ मत कहना। वो जो कर रही है मैं वही कह रही हूँ। क्या किया उन्होंने? तुझे दिखाई नहीं देता, रोज कॉलेज में नए नए हेयर स्टाइल्स, नई नई ड्रेसेस, यहाँ पढ़ाने आती है या फैशन शो करने। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो अपने मेकअप पे ध्यान ज्यादा देती है और पढ़ाने में ध्यान कम, तभी तुझ जैसे लड़के उनके पीछे पीछे भागते। अटेंशन सीकिंग वुमन। क्या बकवास कर रही है, डोंट टॉक रबिश। रबिश मैं बोल रही हूँ या तो बंदर की तरह उनके पीछे पीछे गुलाटी मारे जा रहा है? बड़े प्यार से बुके देने गया था और मिस स्वाति वो भी उतने ही प्यार से बुके ले भी रही है, शर्म नहीं आती उन्हें? शर्म तो तुझे आनी चाहिए जो अपने प्रोफेसर्स के लिए ऐसी बातें बोलती है। शर्म तुझे आनी चाहिए जो अपने प्रोफेसर्स के लिए ऐसी फीलिंग्स रखता है। मैं किसी के लिए कैसी भी फीलिंग्स रखूं, तुझे इससे मतलब? फाइन, तो मैं किसी के लिए कुछ भी बोलूं, तुझे उससे क्या? बहुत बोल रही है तू पॉल, क्या बकवास करे जा रही है, जो जी में आएगा बोले जाएगी। ये कमरा मेरा है, मेरे जो जी में आएगा बोलूंगी और जो जी में आएगा करूंगी। मैंने तुझे कोई इन्विटेशन नहीं दिया था यहाँ आने के लिए, गॉट इट? ठीक है पॉल, आज तो मुझे अपने कमरे का ताना दे रही है ना? हाँ दे रही हूँ। अब जिस तरह से मेरा कंप्यूटर ऑन किया था उसी तरह से ऑफ कर एंड गेट आउट। ठीक है पॉल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद तेरे कमरे में कभी कदम नहीं रखूंगा। थैंक यू। मुझे कसम है मेरे, नहीं तेरे इस कंप्यूटर की, और अगर मैंने अपनी कसम तोड़ी तो इस कंप्यूटर का मरा मुंह देखेगी, भयानक वायरस लग जाएगा तेरे कंप्यूटर में। सैनिश को हाथ मत लगा। Rick!